स्लाइड अपनी रिकॉर्डिंग के साथ में, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है अभी, अपनी रिकॉर्डिंग के साथ में मैं यूट्यूब में डाल दूँगा मैं। और यूट्यूब में आपकी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मेरी ही आवाज़ आएगी। तो अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया ने ड्यूअल नेचर ऑफ जीएसटी अपना रखा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, ड्यूअल नेचर ऑफ जीएसटी? ड्यूअल नेचर यानी कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी जीएसटी। ऑब्वियसली बात है, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, और सिर्फ अगर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो बोथ गवर्नमेंट चार्ज करती है, इसलिए कहते हैं ड्यूअल नेचर। अब एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे। तो एक होता है इंटर स्टेट्स और एक होता है इंट्रा स्टेट्स। इंटर स्टेट्स मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। ये बात नोट कर लीजिए आप, इंटर स्टेट्स यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंट्रा स्टेट्स यानी कि विद इन द स्टेट्स, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। जीएसटी जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड होता है। जब जीएसटी शुरू में लॉन्च हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था लेने से, कहा था कि हम नहीं लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। मदन बाद में उन्होंने शोर हंगामे के बीच में जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसमें पास हो गया था बिल। प्लीज़ नोट कर लीजिए ये भी, ड्यूअल नेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, CGST, IGST, UGST, SGST। हाँ स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ से मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, CS लिख दिया मेरे गलती से मैंने। ये एक्चुअली में है CGST, IGST, UGST, SGST। इस टॉपिक पे आएंगे, पहले हम लोग को क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप समझ जाए। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, UGST यानी कि यूनियन टेरिटरी वाली गवर्नमेंट टैक्स लेती है। लाइक आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी कौन होती है, हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी है, 7 के नाम तो मुझे खैर नहीं मालूम, लेकिन अभी आप यहाँ पे हो दिल्ली में हो तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट UGST चार्ज करेगी। हमारे पास चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, इन सब ऐसे करके 7 यूनियन टेरिटरी हमारे पास, तो यूनियन टेरिटरी इस पर GST चार्ज करेगी। IGST यानी कि जो हमारी इंटर स्टेट सेल्स होती है, मैंने कहा था आपको इंटर स्टेट सेल्स, ज़रा देखिए अपनी कॉपी में इंटर स्टेट सेल्स क्या होता है, यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जो इंटर स्टेट्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देती है। तो स्टूडेंट्स एक बार आप नोट कर लीजिए कॉपी में, CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, IGST यानी कि इंटर स्टेट्स में इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड टैक्सेबल गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसमें भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, UGST में यूनियन टेरिटरी वाली गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और SGST में स्टेट गवर्नमेंट वाली टैक्स लेती है। अब टैक्स कैसे लेती है इसके बारे में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर समझेंगे हम लोग। नहीं नहीं इसको कॉपी नहीं करना आपको। ओके लेट्स क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ओके मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ दो चीज़ें, कि ए और बी जो है एक ही स्टेट में है, दैट इज इट इज़ अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, और मैंने अज्यूम किया कि GST का रेट 9% है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया सर आपने? ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपकी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। ओके क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए टू बी, यानी कि ए ने बी को सामान बेचा, कितने में बेचा सर? 10,000 में बेचा। 10,000 में आप देखो बिलिंग किस तरह से करेगा, वो CGST लगाएगा 9% का, SGST लगाएगा 9% का, अज्यूम्ड किया हुआ है GST रेट इज 9%, फिर टोटल प्राइस चार्ज करेगा 11,800 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? ये सिंपल इलस्ट्रेशन था एक।
यानी कि जब कोई सामान बेचता है तो उसमें जीएसटी लगाता है, और जीएसटी भी क्या लगाता है, सीजीएसटी लगाता है और एसजीएसटी लगाता है, ठीक है। और इस अमाउंट को वो 900 900 रुपीज़ को 900 रुपीज़ के अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, और ये वाला अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा वो। इज इट क्लियर? ये लाइन फिलहाल भूल जाइए आप, ए इज द फर्स्ट ए सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डज नॉट हैव एनी क्रेडिट, ये लाइन आप भूल जाइए। एक बार आगे बढ़ेंगे, पिछले एक एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है। अब वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने, वो एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है। तो उसमें देखिए कि लेट्स से बी ने वो सामान जो है सी को बेच दिया, ओके और 20% वैल्यू एडिशन की, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय बी टू सी वैल्यू एडिशन एट द रेट 20%, यानी कि 10,000 का सामान बेचा 12,000 में बेच दिया। जीएसटी रेट हमने कितना अज्यूम किया था, 9% का, तो 9% 1080, एस जी एस 1080। सो टोटल प्राइस बी कितना लेगा सी से, सी से लेगा 14,160 रुपीज़ बी जो है सी से ले लेगा। अब ध्यान से सुनिए, एकदम ही ध्यान से, अब बी जो है गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, बी को गवर्नमेंट को पे करना था सी जी एस टी के, बी को गवर्नमेंट को पे करना था सी जी एस टी के 1,080 रुपीज़। अब वे सी जी एस टी के 1,080 रुपीज़, लेकिन जब उसने सामान ए से ख़रीदा था तभी भी तो सी जी एस टी पे किया था। ये देखिए, जब उसने सामान ए से ख़रीदा था तो फिर ए 900 रुपीज़ का सी जी एस टी पे किया था ना उसने, तो वो लेस क्रेडिट ले लेगा सी जी एस टी का 900 रुपीज़, और सी जी एस टी के सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा 180 रुपीज़। उसी तरह से एस जी एस टी भी वैसे ही पे करेगा, 1,080 रुपीज़ उसको पे करने थे, 900 रुपीज़ का वो क्रेडिट ले लेगा और एस जी एस टी गवर्नमेंट को पे कर देगा 180 रुपीज़ का। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। ए ने बी को गुड्स बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे तो ए ने चार्ज कितना किया टोटल प्राइस, ए ने 11,800 रुपीज़ का प्राइस चार्ज किया था बी से, यानी कि बी ने 11,800 रुपीज़ ए को दिए थे। अब बी ने कितने कितने इसमें दिए थे, बी बाइफरकेशन करे तो बी ने 900 रुपीज़ का सी जी एस टी दिया था और 900 रुपीज़ का एस जी एस टी भी दिया था। तो फिर आगे जब बी ने सी से 1,080 रुपीज़ का सी जी एस टी उठाया और 1,080 रुपीज़ का एस जी एस टी भी उठाया, तो फिर बी ने बी को ये अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना था, तो बी ने गवर्नमेंट को क्या कहा, बी ने गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट मेरे को आपको 1,080 रुपीज़ देने हैं। बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे आपको सी जी एस टी के नाम पे 1,080 रुपीज़ पे करने हैं, मैंने 900 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, मैं अब मैं आपको सिर्फ 180 रुपीज़ पे करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी वही कहेगा वो, स्टेट गवर्नमेंट मुझे आपको 1,080 रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन मैंने आपको 900 रुपीज़ पहले ही पे कर दिया है, तो फिर मैं अब आपको 180 रुपीज़ ही पे करूँगा। इज इट क्लियर? ये बेसिक एग्जांपल है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हमने जो पहले पे कर रखा है उसका हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाले पैसे में से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रेडिट ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को के लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन बता दूँ इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, ओके यानी मतलब कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे देने हो तो आप एस जी एस टी का क्रेडिट नहीं ले सकते, और आपको अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने हो तो आप सी जी एस टी का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। इज इट क्लियर? ये इलस्ट्रेशन आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, प्लस अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। आगे जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। अब ये है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके ध्यान से सुना मेरी बात को, एकदम ही ध्यान से। ये हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स
इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में ये जो है एक्स ने जो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट वन टू ए ऑफ स्टेट वन, एक्स स्टेट वन में रहता है, ए स्टेट वन में रहता है, तो ये जो है आपकी ट्रांजेक्शन है एज यूजल नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो पिछली बार की थी हमने। और अब आप ये लाइन समझ जाओगे, एक्स इज द फर्स्ट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हेंस डज नॉट हैव एनी क्रेडिट ऑफ सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी, इसके पास कोई क्रेडिट है नहीं है। अब देखिए, अब उसी ए ने एक बी नाम के आदमी को बेच दिया सामान जो कि दूसरे स्टेट में रहता था। अब दूसरे स्टेट में रहता था तो हम लोग क्या चार्ज करेंगे, दूसरे स्टेट में हम लोग चार्ज करते हैं आई जी एस टी, न्यू पॉइंट, ओके। दूसरे स्टेट में हम लोग चार्ज करते हैं आई जी एस टी, और आई जी एस टी कितना होता है, आई जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, यानी कि सी जी एस टी 9%, एस जी एस टी भी 9%, टोटल मिला के 18%, तो एस जी एस टी भी आई जी एस टी चार्ज होगा एट द रेट 18%। इज इट क्लियर? तो फिर लेट्स सी 10,000 रुपीज़ का मान लीजिए 12,000 में सामान बेचा उसने और आई जी एस टी चार्ज कर दिया 18% का 2,160 रुपीज़, तो टोटल प्राइस देगा इतना। अब देखिए, उसको आई जी एस टी पे करना था 2,160 रुपीज़ का, तो आई जी एस टी किसको पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो वो कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे आपको 2,160 रुपीज़ पे करने थे लेकिन मैंने पहले भी आपको 900 रुपीज़ पे कर दिया है, पहले भी आपको 900 रुपीज़ पे कर दिया है। और आई जी एस टी क्या कहता है कि आई जी एस टी एकदम ही लीनियर है, वो कहता है कि आप ना मेरे को पे करने के लिए एस जी एस टी का क्रेडिट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई जी एस टी को पे करने के लिए हम लोग क्रेडिट ऑफ एस जी एस टी भी यूज़ कर सकते हैं। एस जी एस टी का क्रेडिट कितना है इसके पास, 900 रुपीज़ का, 900 रुपीज़ का आई जी एस टी पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट 360 रुपीज़। इज इट क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और ये एक्सप्लेनेशन जरूर नोट करना, बाद में आप भूल जाओ कभी। बता दूँ आई जी एस टी का क्रेडिट, आई जी एस टी पे करने के लिए हम लोग सी जी एस टी का और एस जी एस टी का दोनों का क्रेडिट ले सकते हैं। पहले किसका लेंगे, पहले लेंगे सी जी एस टी का, ओके। पहले हमेशा यहाँ पे लेस क्रेडिट ऑफ सी जी एस टी आएगा, उसके बाद ही क्रेडिट ऑफ एस जी एस टी आएगा। इज इट क्लियर? पहले हमेशा क्रेडिट ऑफ सी जी एस टी, उसके बाद क्रेडिट ऑफ एस जी एस टी। अब क्यू का तो इसका जवाब नहीं है मेरे पास, अब ये लॉ है, अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में ना। नेक्स्ट, अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो फिर इसने बी को सामान बेचा था इस आदमी ने, अब बी ने सी को सामान बेच दिया विद इन द सेम स्टेट। देखिए विद इन द सेम स्टेट उसने 12,000 में सामान खरीदा था बी ने, ये देखिए यहाँ पे ए ने बी को 12,000 में बेचा, यानी कि ए ने बी को 12,000 में बेचा, यानी कि बी ने 12,000 में खरीदा। अब बी ने 120% वैल्यू एडिशन करके 14,400 में सामान बेच दिया। अब विद इन द सेम स्टेट बेच रहा है तो सी जी एस टी लेगा, एस जी एस टी लेगा, 9% का सी जी एस टी लिया, 9% का एस जी एस टी लिया, टोटल प्राइस कितना चार्ज करेगा, 16,992 रुपीज़। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ कि ये ज़रा वो सी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे देगा और स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे देगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम एंड। देखिए आप, जैसे कि मैंने कहा था कि आई जी एस टी एकदम ही लीनियर होता है, एकदम ही लीनियर, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी का भी क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। तो फिर इस बंदे ने आई जी एस टी पे किया था, इस बंदे को सी जी एस टी पे करना था 1,000।